नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के विषय में, यानी मिर्की के दौरे के विषय में। एपिलेप्सी साथियों एक खतरनाक मेडिकल कंडीशन होती है, जिसमें कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन का होता है, आपके दिमाग का जो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वह एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है और एबनॉर्मली बिहेव करने से वह सीजर्स को पैदा करता है, जिससे कि आपको अनकॉन्शियसनेस आ सकती है। लेकिन बीमारी आप सुन के भी आपको लग रहा होगा कि बुरी बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, लेकिन आप न घबराएं। होम्योपैथी में एपिलेप्सी को ठीक करने की बहुत कारगर दवाएं हैं। वह दवाएं जो आपके इन एपिसोड्स को कम करके, सीजर के जो एपिसोड्स होते हैं उनको कम करके आपको सामान्य कर देते हैं। हम आपको बताएंगे ऐसी 10 कारगर दवाएं जो आपकी मदद करेंगी। सबसे पहले साथियों इस पर बात कर लेते हैं कि एपिलेप्सी होती क्या है। एपिलेप्सी साथियों, यानी मिर्की का दौरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो स्थिति होती है कि जब वह एबनॉर्मल हो जाता है। जब वह एबनॉर्मल हो जाता है तो वह आपको सीजर प्रोड्यूस कराता है। सीजर प्रोड्यूस करने की स्थिति में साथियों, या तो आपको कुछ पल के अनकॉन्शियसनेस की स्टेट आ जाती है, जिसमें आपको कुछ पल की बेहोशी आ जाती है और फिर आप रिकवर कर जाते हैं, और किन्हीं परिस्थितियों में ये होता है कि आपको बेहोशी भी आती है और आपकी मसल्स हैंड की और लेग्स की ट्विच करने लगती है, झटका खाने लगती हैं। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है एपिलेप्सी में। लेकिन अगर आपके ऐसा है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। एक बार साथियों अगर कभी किसी के साथ ये हाल पोजीशन हुई है तो वह एपिलेप्टिक पेशेंट नहीं माना जाता है मेडिकल कंडीशन में। दो या दो से ज़्यादा बार जब उसके इस तरह का अनकॉन्शियसनेस आती है या सीजर पड़ते हैं तो माना जाता है कि इस मरीज को एपिलेप्सी का मरीज है या ये एपिलेप्सी का मरीज है। जहाँ तक साथियों एपिलेप्सी के सिम्टम्स की बात है तो एपिलेप्सी में हर कुछ सिम्टम हो सकता है। जब भी आपका ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS एबनॉर्मली बिहेव करेगा, जिस पार्ट को बॉडी के वह एबनॉर्मल सिग्नल देगा वह सीजर का हिस्सा हो सकता है। नॉर्मली साथियों इसका सिम्टम होता है अनकॉन्शियसनेस आ जाना, हाथ पैरों में ट्विचिंग होना, बेहोशी कुछ पल बने रहना, याददाश्त थोड़ी देर के लिए चले जाना और वीकनेस बहुत आना इन सारे एपिसोड्स के बाद। यह सिम्टम्स होते हैं एपिलेप्सी के। लेकिन ध्यान रहे, अनकॉन्शियसनेस का सिम्टम एक बार अगर हो रहा है तो वह एपिलेप्सी नहीं है, अगर वो एक बार से ज़्यादा हो रहा है तभी वह एपिलेप्सी है। सीजर साथियों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फोकल सीजर्स और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सीजर। फोकल सीजर की साथियों खास बात यह होती है कि फोकल सीजर जो है वह ब्रेन के एक पार्ट में जब ब्रेन के एक पार्ट के कारण, अ पार्ट ऑफ ब्रेन के कारण अनकॉन्शियसनेस आती है तो उसको फोकल सीजर कहते हैं। इसमें पूरा ब्रेन मरीज का इफेक्ट नहीं होता है। फोकल सीजर साथियों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फोकल सीजर विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें साथियों यह होता है कि व्यक्ति को एक अनकॉन्शियसनेस की स्टेज आती है लेकिन वो अनकॉन्शियस नहीं होता है। मरीज क्या करता है, बस चीज़ों को देखता रहता है, एक अनअवेयर हो जाता है। जब अनअवेयरनेस हो जाती है, जैसे अनअवेयर हो गया, उसे आसपास क्या हो रहा पता नहीं, आसमान को देखने लगा, कुछ इस तरह के रिएक्शन करने लगा, तो इसको कहते हैं फोकल सीजर विदाउट लॉस ऑफ अवेयरनेस। यानी उसकी अवेयरनेस नहीं ख़त्म हो रही है, अनकॉन्शियस वो नहीं हो रहा है, लेकिन वो किसी चीज़ को स्टेयर करने लगता है, ग्लेयर करने लगता है, तो उसको कहते हैं फोकल सीजर विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरे प्रकार का सीजर साथियों जो होता है वह होता है फोकल सीजर विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। किसी मरीज को सीजर पड़ा, झटका आया और उसको बेहोश हो गया कुछ पल के लिए, अगर वह स्थिति है साथियों तो यह फोकल सीजर विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है। यह भी एक फोकल सीजर का पार्ट होता है। फिर साथियों दूसरी स्थिति आती है जो कि होती है जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर साथियों वह स्थिति होती है कि जब आपका पूरा ब्रेन एक तरह से रिएक्ट करता है, यानी पूरा ब्रेन आपको सीजर कॉज करने का कारण होता है।
तो अगर यह स्थिति हो साथी तो इसको जनरलाइज सीजर कहते हैं या छह प्रकार के होते हैं। छह प्रकार के होते हैं। पहला होता है साथियों एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर वह स्थिति होती है खासतौर से यह बच्चों में होती है, इसको पहले पेटिट माल सीजर भी कहते थे लेकिन अब इसको एब्सेंस सीजर कहते हैं। वह स्थिति होती है जब कुछ देर के लिए बच्चा अवेयरनेस को ख़त्म कर देता है और वह अपने होंठों को बीचने लगता है या आसमान की तरफ देखने लगता है, उसको कहते हैं एब्सेंस सीजर। दूसरा जो साथियों जनरलाइज सीजर होता है उसको कहते हैं टोनिक सीजर। टोनिक सीजर साथियों वह स्थिति होती है जब आपकी मसल्स में स्टिफनेस आ जाती, खिंचाव आ जाता है और आपको झटके पड़ते हैं, उसको कहते हैं टोनिक सीजर। तीसरी स्थिति जो होती है वह साथियों होती है एटोनिक सीजर। एटोनिक वह स्थिति होती है सीजर्स की जनरलाइज सीजर्स में जब आपकी मसल कोलैप्स कर जाती हैं, आप गिर जाते हैं, एकदम से मसल्स जो है वो कोलैप्स कर गई, एटोनिक हो गई और आप गिर गए, वह स्थिति जो होती है उसको कहते हैं एटोनिक सीजर। फिर एक तरह के साथियों जनरलाइज सीजर होते हैं जिनको कहते हैं क्लोनिक सीजर। क्लोनिक सीजर वह स्थिति होती है कि जब आपका रिदमिक रूप से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो, मतलब एक लय में, एक फिक्स्ड पैटर्न में आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाए सीजर के साथ, तो उसको कहते हैं क्लोनिक सीजर। फिर एक स्थिति होती है साथियों मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर वह स्थिति होती है जिसमें आपकी मसल्स ट्विच करती हैं, झटका मारती हैं, मसल्स जो है कहीं पे भी झटका मारने लगेंगी, इसको कहते हैं मायोक्लोनिक सीजर। यह भी एक तरह का जनरलाइज सीजर होता है। सबसे खतरनाक सीजर जो होता है साथियों वह होता है टोनिक क्लोनिक सीजर। टोनिक क्लोनिक सीजर में क्या होता है कि आपकी मसल्स, इसको पहले ग्रैंड मैल सीजर कहते थे, अब इसको टोनिक क्लोनिक सीजर कहते हैं। इसमें क्या होता है आपकी मसल्स शेक भी करती हैं और ट्विच भी करती हैं और अनकॉन्शियसनेस भी आती है, तो अगर यह स्थिति आप में हो तो उसको टोनिक क्लोनिक सीजर के रूप में कैटेगराइज करा जा सकता है। ये थे साथियों छह तरह के सीजर जो आपके हों। हो सकता है विषय आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा हो लेकिन अपने बारे में जानना या जो मरीज को यह दिक्कत है उसको उसके बारे में बताना भी एक बहुत अच्छा काम है। आपको जानकारी होगी तो आप औरों को बता पाएंगे। साथियों नंबर एक दवा होम्योपैथी में जो आपका एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे ख़त्म करने की है वह है सिस्कुटा विरोसा। सिस्कुटा विर 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसको कि खतरनाक रूप से, मतलब जिसको बॉडी पूरा ऐंठ जाता हो, उसका पैर ज़मीन पे और पूरा धड़ अकड़ के, पीठ अकड़ के पीछे ज़मीन पे, इस तरह की स्थिति में वो लेट जाता हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सिस्कुटा विरोसा है। सिस्कुटा विरोसा के मरीज को ना शोर पसंद होता है, आवाज़ पसंद होती है, ना लाइट पसंद होती है, बस उसका पूरा शरीर जब उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है तो वो अकड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, और ख़ास तौर से बच्चों में सिस्कुटा विरोसा बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आपको एपिलेप्सी है तो एक बार आप सिस्कुटा विर 30 पावर में लेकर दो दो बूंद दिन में तीन बार उस एपिलेप्सी की जो वो आता है एपिसोड साथे सीजर साथे उसको कम करने का सफल प्रयास कर सकते हैं। एक स्थिति आ सकती है साथियों किसी में कि अगर कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, वो प्यूबर्टी की स्टेज अटेंड कर रही है और उस समय उसको मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए, तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि आप जब प्यूबर्टी की स्टेज अटेंड कर रहे हो उस समय आपको मेंसेस आपका बहुत ही रेगुलर हो और आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हों, एपिलेप्टिक फिट्स पड़ते हों, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कॉस्टिकम। आप कॉस्टिकम 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका यह जो सप्रेशन ऑफ डिस्चार्जेस हो रहा है, पीरियड इरेगुलर हो रहा है, वहाँ भी ठीक हो गया। अगर आप बेड वेटिंग करते हैं या यूरिन का इनकॉन्टिनेंस है, पेशाब को रोक नहीं पाते हैं, वहाँ भी सही हो गई और आपके मिर्गी के दौरे यानी एपिलेप्टिक फिट्स पड़ना भी बंद हो गए। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके भारी कब्ज रहती हो, जब आपको जिस दिन कन्वल्जन्स पड़ने वाले रहते हो, एपिलेप्टिक फिट आने वाला रहता हो, शरीर में कब्ज की स्थिति पैदा हो जाती हो, तो अगर यह पिक्यूलियर सिम्टम आप ढूंढ पाते हैं, एहसास कर पाते हैं, तो आप प्लम्बम मेटेलिकम 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लेंगे और यह दवा लेने से आपकी कब्जियत भी ख़त्म होगी
और जो इपिलिप्टिक फिट के दौरान होने वाली कब्जियत, उससे पहले और बाद में होने वाली कब्जियत है, वह भी ख़त्म होगी। एक साथियों स्थिति आती है इपिलिप्टिक पेशेंट में कि उसको इपिलिप्सी के अटैक के दौरान बहुत तेज सांस फूलने लगी और ऐठन होने लगी, खिंचाव होने लगा। तो अगर यह स्थिति है साथियों कि उसकी सांस थम नहीं रही है एपिलेप्टिक के अटैक के दौरान, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है हाइड्रोसाइनिक एसिड। आप हाइड्रोसाइनिक एसिड 6x पावर की दो दो टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसको आप कुछ 1 हफ्ते दे दें तो आप देखेंगे कि एक तो एपिलेप्टिक अटैक पड़ेगा नहीं, और अगर किसी को पड़ा भी तो उसमें जो उसकी सांस की घुटन है, सांस न ले पाने की दिक्कत है, वह काफ़ी हद तक कम या ख़त्म हो जाएगी। एक स्थिति साथियों आती है, जैसा भी हमने सिम्टम में बताया, एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर साथियों उस तरह का सीजर होता है जो खास तौर से बच्चों में पाया जाता है, इसको पहले पेटिट माल सीजर कहते थे। इसमें बच्चा जो है वह आसमान की तरफ देखने लगता है और अपने होंठ को बीचने लगता है। तो अगर किसी के एब्सेंस सीजर यानी पेटिट माल सीजर है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्टिमीजिया वल्गैरिस। आप आर्टिमीजिया वल्गैरिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस बच्चे को दे सकते हैं जिसको कि एपिलेप्सी का एपिसोड आता हो, सीजर आता हो, उसको बेहोशी या अनकॉन्शियसनेस आती हो, और जब उसको कॉन्शियसनेस रहती हो तो वह अपने होंठ को बीचता हो और आसमान की तरफ एकटक देखता हो। इस तरह का सिम्टम हो अगर तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा आर्टिमीजिया है। एक स्थिति आती है साथियों कि आपको बचपन से अटैक पड़ते हो और आज आप 50-60 साल के हो गए लेकिन आपको अटैक पड़ते हो। हालांकि आपको अटैक का एपिलेप्सी के सफ़र बहुत लंबा हो गया साथियों, लेकिन अगर आज आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो इसको भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है चाहे आप 60 साल के हो गए हों। और दवा का नाम है सोलेनम कार्लेंस। सोलेनम बहुत कारगर दवा है एपिलेप्टिक फिट्स की उस स्थिति में कि आपको बचपन से चाइल्डहुड से अटैक पड़ रहे हो और आप आज बड़े हो गए, आप 40 साल 50 साल के हो गए, अब भी आपको अटैक पड़ रहे हैं, तो इतने लंबे आपकी बीमारी के सफ़र को सोलेनम दवा सही करके आपको स्वस्थ बनाने की क्षमता रखती है। एक बार इस दवा को ट्राई करके ज़रूर देखें। एक साथियों स्थिति होती है एपिलेप्टिक पेशेंट्स में कि उनको डर और घबराहट के बाद एपिलेप्टिक अटैक पड़ जाए। उनके जैसे जिस वक्त भी ऐसा मौका जीवन में आ रहा है कि उनको बहुत डर या घबराहट लग रही है और उसके बाद उसको एपिलेप्टिक फिट पड़ गया। अगर यह स्थिति किसी में हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आप आर्जेंटम नाइट्रिकम 32-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके एपिलेप्टिक फिट को भी ख़त्म कर देगी, आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देगी और आपको एक तरह से पुनर्जीवित कर देगी। आर्जेंटम नाइट्रिकम के मरीज में साथियों जो एपिलेप्टिक फिट पड़ता है, फिट के बाद मरीज 4 से 5 घंटा सोता है, उसको नींद आती है, यह पिकुलर सिम्टम होता है। तो अगर यह सिम्टम है तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस आर्जेंटम नाइट्रिकम है। एक साथियों स्थिति आती है कि ये इसके जो अटैक्स होते हैं एपिलेप्सी के, या उन महिलाओं में पड़ते हैं जो प्रेग्नेंट हों। अगर यह स्थिति हो साथियों कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हों और उनके इस तरह के अटैक पड़ रहे हों, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है क्यूप्रम मिटैलिकम। आप क्यूप्रम में 32-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे हर महिला मरीज को या किसी भी मरीज को दे सकते हैं जो या तो महिला मरीज प्रेग्नेंट हो या फिर अन्य मरीज जिनको कि पैरों में ऐठन और मरोड़ और ट्विचिंग और खिंचाव होता हो, तो क्यूप्रम मेट बहुत अच्छी दवा है। यह दवा आपके इस खिंचाव को ख़त्म करेगी और आपके एपिलेप्टी के फिट्स को ख़त्म करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज को लगातार अटैक पड़ रहे हों, हफ्ते में 1 अटैक पड़ रहा हो और उसके मन में विचार बहुत ज़्यादा आते हों, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते हों, अगर यह मेंटल्स उसमें हैं और उसको हफ्ते में 1 अटैक यानी बहुत फ्रीक्वेंट अटैक पड़ रहा है, उस स्थिति में इन अटैक्स को कम करने की एपिलेप्सी के बहुत कारगर दवा है एगारिकस मस्कैरिस। आप एगारिकस मस्कैरिस 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिसको कि फ्रीक्वेंसी अटैक्स की बहुत ज़्यादा है, बार बार एपिलेप्टिक अटैक पड़ रहा है, हफ्ते में 1 अटैक पड़ रहा है, तो एगारिकस उसकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह दवा उस व्यक्ति की मदद अवश्य करेगी। एक साथियों स्थिति आती है कि किसी को सिम्टम आता है कि किसी को एपिलेप्टिक फिट पड़े और उसके बाद फिट के दौरान उसका यूरिन और स्टूल
उसको पार्टी हो जाए और उसके पेशाब इनवॉलेंट्री रूप से बिना कंट्रोल के निकल जाए। अगर साथियों यह स्थिति है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में और मरीज को एपिलिप्टिक फिट को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वो मरीज ले सकता है जिसको एपिलिप्टिक फिट पड़ता हो, जिसको एपिलिप्टिक फिट पड़ता हो और एपिलिप्टिक फिट पड़ने के दौरान उसके स्टूल और यूरिन पास आउट इनवॉलेंट्री यानी बिना कंट्रोल के हो जाती हो। नक्स वोमिका का मरीज थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, उसे छोटी छोटी बात पे लड़ता झगड़ता है और इधर उधर कहता रहता है और आम तौर पे नक्स वोमिका के मरीज का डाइजेशन ठीक नहीं होता है। अगर यह सिम्टम्स आप में हैं तो आपकी निश्चित रूप से दवा नक्स वोमिका है। एक साथियों बड़ा कॉमन कॉज होता है एपिलिप्सी का, मिर्गी के दौरे का, कि मरीज को जो है वह जैसे ब्राइट लाइट दिखी, बहुत तेज रोशनी दिखी तो उसको एपिलिप्सी के दौरे पड़ गए। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो कि अगर आपको बहुत ब्राइट लाइट से, बहुत चमकदार रोशनी से मिर्गी के दौरे पड़ते हों, एपिलिप्सी के फिट्स पड़ते हों, तो वह होम्योपैथी से ठीक हो सकते हैं। और उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा स्ट्रेमोनियम, आप स्ट्रेमोनियम 200 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके एपिलिप्टिक फिट्स को भी ख़त्म करेगी और आपको पूर्णतया ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आपको सोने के बाद मिर्गी के दौरे पड़ते हों, आप सो जाते हों उसके बाद आपको मिर्गी के दौरे पड़ जाते हों, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में 2 बहुत कारगर दवाएँ, पहली दवा है लिकैसिस और दूसरी दवा है बुफोराना। लिकैसिस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली आप ले सकते हैं और बुफोराना 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको सोने के बाद एपिलिप्टिक सीजर पड़ते हों यानी मिर्गी के दौरे आपको आते हों। एक स्थिति साथियों आती है जब आपको रात में आप बढ़िया से सो लिए और सुबह उठें तो आपको मिर्गी का दौरा पड़े यानी एपिलिप्टिक सीजर हो, तो अगर यह स्थिति आपके होती है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है हायोसाइमस। आप हायोसाइमस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके एपिलिप्टिक फिट्स को भी ख़त्म करेगी, आपको साउंड स्लीप देगी, आपके मसल्स की ट्विचिंग को ख़त्म करेगी और आपको स्वस्थ बनाएगी। साथियों एक स्थिति आती है जब आपको भयंकर भारी एपिलिप्टिक अटैक पड़ा हो, बहुत भारी कन्वल्जन्स आपको हो रहे हो और आप परेशान हो रहे हो और आपके मुंह से झाग निकलता हो, जब आप बेहोश हो जाते हो तो आपके मुंह से झाग निकलता हो, अगर यह स्थिति है साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ओइनेंथी क्रिकाटा। ओइनेंथी क्रिकाटा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप एपिलिप्टिक फिट की कंडीशन में उस वक्त ले सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाते हो और आपके मुंह से झाग निकलता हो, तो यह दवा आपको उस एपिलिप्टिक फिट को भी दूर करेगी और आपका जो टेरिबल रूप से भारी रूप से बेहोशी आ रही है इसको भी ख़त्म करके एपिलिप्टिक फिट्स को ठीक करेगी। एक साथियों पिकुलर सिम्टम होता है एपिलिप्सी के पेशेंट में कि एपिलिप्सी के मरीज को चीटियां शरीर पर काटती महसूस होती हैं, तो अगर उसको कोई ऐसा मरीज हो जिसको शरीर पर चीटियां काटती हुई महसूस होती हो, इसको फॉर्मिकेशन कहते हैं, तो अगर उसके फॉर्मिकेशन यानी चीटियां काटती महसूस हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है ब्राइटा म्यूरियाटिकम। ब्राइटा म्यूर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसको कि एपिलिप्सी यानी मिर्गी के दौरे पड़ते हों, उसको चीटी ऐसी पूरे शरीर में काटती महसूस होती हो, उसको प्यास बहुत कम लगती हो और वह दुबला पतला हो, तो अगर यह स्थितियां हो तो आपकी निश्चित रूप से दवा ब्राइटा म्यूरेटिकम हो सकती है। एक साथियों एपिलिप्सी की कंडीशन में स्थिति आ सकती है कि अटैक से पहले आपके हाथ पैर कांपने लगते हों। अगर यह स्थिति हो कि आपके अटैक से पहले, एपिलिप्टिक अटैक से पहले आपके हाथ पैर कांपने लगते हों और आपकी मेमोरी लॉस एपिलिप्टिक अटैक के बाद हो जाती हो कुछ घंटों के लिए, अगर यह स्थिति है तो इसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में एब्सिंथियम है। आप एब्सिंथियम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपके हाथ पैर कांपते हों मिर्गी के दौरे से पहले और आप बाद में
एक दो मिनट बाद जब आप रिकवर कर जाते हैं उसके बाद आपका मेमोरी लॉस कई घंटों के लिए हो जाता हो। तो एब्सिंथिनम दवा है, यह आपके हाथ पैर की ट्रेमलिंग को भी रोकेगी एक्सट्रीमिटीज़ की, यह आपके लॉस ऑफ मेमोरी को भी रोकेगी और आपके एपिलेप्टिक फिट्स को भी ठीक करके आपको स्वस्थ बनाएगी। एक साथियों मेंटल कंडीशन हो सकती है एपिलेप्टिक पेशेंट्स में कि उनको साइलेंट ग्रीप हो, यानी अंदर ही अंदर घुले जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं और झटके पड़ रहे हैं, एपिलेप्टिक फिट्स पड़ रहे हैं। तो अगर यह स्थिति है साथियों कि अंदर ही अंदर दुखी हैं, अंदर ही अंदर परेशान है, मन को बाहर भी बात को नहीं रख पा रहे और झटके पड़ने की इंटेंसिटी बढ़ गई मरीज़ की, अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में इग्निशिया है। आप इग्निशिया हमारा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके झटकों को भी ख़त्म करेगी और आपका जो अंदर का यह दुख है इसको भी न्यूट्रलाइज करके आपको खुश सुखी और स्वस्थ बनाएगी। एक साथियों दिमागी सिम्टम होता है बहुत लोगों में, जब उनके यहाँ एपिलेप्सी की दिक्कत होती है और ऐसे लोग बड़े लॉजिकल होते हैं, मतलब हर समय वो लॉजिक लगाया करते हैं, हर समय वो तथ्यों का इस्तेमाल करा करते हैं और उनके एपिलेप्टिक फिट पड़ते हैं। ऐसे मरीज जिनके पेट में हर समय गैस रहती है, गुड़गुड़ाहट रहती है, तो अगर इस तरह की आपकी स्थिति है कि आपके पेट में गैस बहुत बनती है, आप बहुत लॉजिकल टाइप व्यक्ति हैं, हर समय जो है लॉजिक ही लगाया करते हैं, तथ्य साबित करा करते हैं, आपको कब्जियत रहती है और आपको झटके पड़ते हैं, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस लाइकोपोडियम क्लेवेटम है। लाइकोपोडियम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार लेके आप राहत पा सकते हैं। लाइकोपोडियम की तकलीफें साथियों मरीजों की आमतौर पर 3-4 बजे के करीब शाम को बढ़ती हैं। यह बहुत अच्छी दवा है आपके पेट के गैस की, गुड़गुड़ाहट की, एपिलेप्टिक फिट्स की, चेहरे पे झाई की, मर्दाना ताकत की और पेट के भारीपन को खत्म करने की। एक साथियों इमरजेंसी ड्रग आती है होम्योपैथी में कि अगर आपके एपिलेप्टिक अटैक पड़ रहा है तो तुरंत आप ये दवा दे सकते हैं, मरीज को राहत मिल जाएगी। जैसे ही पड़े मेडिकल इमरजेंसी में आप ये दवा दे सकते हैं और दवा का नाम है एमाइल नाइट्रोसम। आप एमाइल नाइट्रोसम का मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में उस वक्त मरीज को दे सकते हैं जब उसके यहाँ अटैक पड़े और तुरंत उसे मेडिकल आवश्यकता हो, तो यह दवा आपको मदद करने की, उसके एपिलेप्टिक अटैक की इंटेंसिटी को कम करने की क्षमता रखती है या उसको रोकने की क्षमता रखती है। बस आपको करना यह है जैसे ही मरीज में ट्रेमर्स, ट्रेमलिंग या स्टिफनेस इस तरह का सिम्टम आए, आप उसको एमाइल नाइट्रोसम का मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दे दें। एक साथियों स्थिति आदि किसी मरीज को हो सकती है कि उनके एपिलेप्टिक अटैक पड़ा और उस समय उनकी हथेली और तलवे से भारी पसीना निकलने लगा। अगर ऐसी स्थिति हो कि आपके पाम्प से या फुट के सोल से, हाथ की हथेली से या पैर के तलवे से बहुत ज़्यादा पसीना एपिलेप्टिक फिट के दौरान निकलने लगता हो और आपको सर्दी बहुत लगने लगती हो, तो आप कोई ड्रग ऑफ द चॉइस है सलीसिया। आप सलीसिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके एपिलेप्टिक फिट्स यानी कन्वल्जन्स को भी ख़त्म करेगी और आपके हथेली और तलवे से जो पसीना निकल रहा है उसको भी कम करके आपको कम्फर्ट जोन में पहुँचाएगी। एक साथियों स्थिति आती है कि किसी को एपिलेप्टिक अटैक पड़ा उसके बाद उसको चक्कर आने लगा, वर्टिगो होने लगा, तो अगर यह स्थिति हो कि आपको एपिलेप्टिक अटैक किसी को पड़ता हो उसके बाद फिर उसको चक्कर आता हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम का अगर यह सिम्टम आपसे मेल खाता है तो यह दवा आपके एपिलेप्टिक फिट को भी ठीक करेगी, आपके वर्टिगो को भी ख़त्म करेगी और आपको स्वस्थ बनाएगी। एक स्थिति साथियों सिम्टम आता है जब कोई एपिलेप्सी का पेशेंट हो और उसमें सुसाइडल टेंडेंसी हो, वह बार बार आत्महत्या के विचार की तरफ प्रेरित होता हो, उसको इतना ज़्यादा कन्वल्जन्स पड़ते हों, एपिलेप्टिक अटैक्स पड़ते हों कि अब वह सुसाइड की स्थिति में आ गया हो, तो अगर यह स्थिति है साथियों तो उसकी भी होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है थेस्पियम। आप थेस्पियम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको कि सुसाइड करने की इच्छा एपिलेप्सी के कारण होती हो और उसमें अल्टरनेट वीपिंग एंड लाफिंग हो, यानी कि रोने लगता हो फिर हंसने लगता हो, रोने लगता हो हंसने लगता हो, इस तरह का अगर मेनिया उसमें है तो उसकी दवा
थेस्पियम है, आप इसको देकर उसको ठीक कर सकते हैं। एक साथ ही स्थिति आ सकती है एपिलेप्टिक अटैक में, मरीज को एपिलेप्टिक अटैक उस समय पड़ सकते हैं जब उसके पीरियड का मेंसेस का टाइम हो। ऐसी महिलाएं जिनको मेंसेस के टाइम पे कन्वर्जन अटैक एपिलेप्टिक अटैक्स पड़ते हैं उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है पैसीफ्लोरा इनकाटा। ऐसे तो पैसीफ्लोरा साथियों नींद की बहुत अच्छी दवा होती है, लेकिन यह एक पिक्यूलर सिम्टम है कि अगर मेंसेस के दौरान आपको एपिलेप्टिक अटैक पड़ रहे हैं तो आप पैसीफ्लोरा इनकाटा लेकर उन अटैक्स को ख़त्म कर सकते हैं। ये साथियों को दवाएं थी एपिलेप्टिक फिट्स की, यानी मिर्गी के दौरे की। दवाएं साथियों बहुत कारगर हैं, लेकिन जैसा हमने बताया एपिलेप्टिक फिट्स क्योंकि यह ब्रेन से जुड़ी बात होती है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अनकॉन्शियस स्टेट में आपके शरीर को पहुंचा देता है, तो आप जो है किसी डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी दवा लीजिएगा या अपनी तरफ से दवा ना लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप नोटिफिकेशन पैनल में उस पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। कोशिश करूंगा आपकी बात का जवाब दे सकूं। अगर साथियों यह वीडियो आपको समाज के लिए अच्छा लगा हो, लाभकारी लगा हो, किसी की मदद करने वाला लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अन्य लोगों को प्रेरित करिएगा हम लोगों से जुड़ने के लिए, और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो पाते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।